यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 26 साल की हरियाणवी छोरी ने सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है और फतह हासिल करने से भी बड़ी बात यह है कि हजारों मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचकर इस बेटी ने जो संदेश दिया है वो आपको जरूर जानना चाहिए। हरियाणा की छोरी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर कई अच्छे संदेश दिए। पहले हरियाणा की उस बेटी का संदेश सुनिए, फिर इस बेटी की कहानी बताएं। लेकिन संदेश सुनने से पहले आप ये जान लीजिए कि हरियाणा में दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब यूरोप पहुंच गया है। जीन की एक बेटी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की है और चोटी पर फतह हासिल करते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। एक मैसेज देना चाहती हूँ बेटियों के नाम कि अगर बेटियों को थोड़ा सा भी सपोर्ट और थोड़ा सा भी सहारा मिले तो बेटियां क्या नहीं कर सकती। हर चोटी पे वो एक फतेह करेंगी और नया रिकॉर्ड बनाएंगी। किसी भी फील्ड में लगा लो, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन उनको थोड़े से सहारे की जरूरत है। तो आप लोगों से सभी से मेरा अनुरोध है कि आप बेटियों को सपोर्ट कीजिए और बेटियों की पावर देखिए कि बेटियां क्या नहीं कर सकती। बात सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नहीं थी, उससे आगे की भी जींद जिले के छोटे से गांव की रहने वाली इस छोरी ने बड़ा सा संदेश दिया है और वो संदेश ये है कि हम लोगों को हिंदी को तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो इनकी रशियन लैंग्वेज है वो सिर्फ रशियन ही यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज नहीं करते, लेकिन हम भारतीय होके हिंदी बोलने में शर्माते हैं, शर्म महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ पे इन लोगों को इंग्लिश का हेलो वर्ड नहीं आता। मैक्सिमम लोगों को, हम हर चीज में इंग्लिश को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक धारणा बन गई है, जो इंग्लिश बोलता वो पढ़ा लिखा है, जो हिंदी बोलता उसको कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है, हर देश इंग्लिश नहीं बोलता। जींद जिले के सुदकन खुर्द गांव की रहने वाली इस छोरी ने सात समुंदर पार जाकर यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फतह हासिल की है। इससे पहले विकास राणा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो को भी फतह कर चुके हैं। 26 साल के विकास राणा 2011 से स्कीइंग प्रतियोगिता में सक्रिय है और जापान में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। किसान परिवार की बेटी विकास राणा ने 5642 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर ये साबित कर दिया कि भारत की बेटियां हर ऊंचाई को हासिल कर सकती हैं, बस उन्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।